किन हालात में यहाँ पर गवर्नर नाफिज करना पड़ा तो आपको मालूम है। अब तकरीबन दिसंबर में इसके 6 महीने मुकम्मल होने जा रहे हैं और गवर्नर राज सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हमारे आइन के मुताबिक सिर्फ 6 महीने कायम रह सकता है। अब उसकी टर्म ख़त्म होने वाली है। तो अब सरकार को चाहे कि इस तजुम में न रखे, एक अवामी हुकूमत कायम होनी चाहिए, जैसा कि बजाय खुद गवर्नर साहब का भी मानना है और कहना है कि जितना जल्द मुमकिन हो सके तो यहाँ एक अवामी सरकार कायम होनी चाहिए। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहे और गवर्नर साहब को कि वो बाज़ाब्ता मौजूदा असम्बली को डिज़ॉल्व करके नए इलेक्शन के लिए बंदोबस्त करे, ताकि लोगों को जिन मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नर राज एक आर्जी राज होता है, आर्जी हुकूमत होती है, ये जमहूरी निज़ाम का मुतबादल नहीं हो सकता है, जहाँ लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं और लोगों के मसाइल एड्रेस करने होते हैं, सियासी हो या इक्तसादी हो या तामीर तरक्की के लिहाज हो। इसलिए वाहिद एक हमारा एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरी तर्ज निज़ाम है, तो सरकार को चाहिए कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके असम्बली को तहलील करके नए इलेक्शन का बंदोबस्त कराए, ताकि लोग जिस दलदली और मुसीबत में फंसे हैं उनके लिए बाहर आने का रास्ता मिल सके।